तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस कंगारू के स्टेपलर के बारे में, स्टेपलर के बारे में पता नहीं इसे क्या क्या कहते हैं, बट ये काफ़ी काम की चीज़ है गाइस। इस स्टेपलर की जो खास बात है गाइस वो ये है कि ये मेरे स्कूल के टाइम से चलते आ रहा है और मुझे ये स्टेपलर काफ़ी पसंद है। मैं स्कूल में जब भी कभी मुझे बोर होता था, मैं स्टेपलर के साथ खेलते बैठता था और मुझे काफ़ी पसंद था। ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ थी स्कूल में करने के लिए, लेकिन मुझे पसंद था। बस उसको देखते रहना कि उसका मैकेनिज़म कैसा है और इसको बनाया कैसे गया है और काम कैसे करता है, और मुझे इसके अंदर जो रिफिल्स होती है यानी कि जो स्टेपलर की पिंस होती है वो मुझे हमेशा बुलेट्स की तरह लगती थी, और मुझे लगता था कि मैं इसके अंदर मस्त बुलेट्स लोड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हमेशा से इसे गाइस फुल पूरा भर के रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसा। तो ये जो पिंस है वो भी काफ़ी सही है, डिसेंट है गाइस, और आपको लग भी सकती है। आप इसको कहीं भी ऐसे रास्ते पे फेंको मत, किसी के पैर में घुस सकती है, किसी इंसान के, किसी जानवर के, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो फेंको मत, ध्यान से इस्तेमाल करो यार। स्टेपलर कोई भी ऐसी रैंडम चीज़ नहीं है। तो इसको इसके अंदर डालने के लिए आपको ऐसे रखना है उसे, और फिर दबाना है उसे, और फिर वो अंदर चले जाएगा। उसे थोड़ा सा आगे ले लो और सही है। मेरे को लगता है गाइस आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो होंगे कि आपने कभी ना कभी आपके लाइफ में स्टेपलर स्टैपलर यूज़ किया ही होगा, बट ये एक उन वीडियोस में से एक है जो बस है। बचपन में एक बार स्कूल में मेरा हाथ ऐसा ही स्टेपलर के साथ अटक गया था। मैं स्कूल में खेल रहा था स्टेपलर के साथ और किसी से कुछ बात करते करते मैंने उसको दबा दिया था गाइस, और पूरा मेरे अंदर हाथ के अंदर घुस गया था और मैं पागल हो गया था उस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं है कैसे बाहर निकलेगा। कैसे तो भी मैंने होश और हिम्मत जुटाई गाइस और उसको ऐसा भंग करके खींच के बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से मैंने ऐसा, ये जो हाथ अभी उंगली जो मैं रख रहा हूँ गाइस वो मैंने कभी रखी नहीं, आज रख रहा हूँ। यार ये पिन कहाँ गिर गई? तो ये जो पिन होती है गाइस उसमें मैग्नेट होता है, सॉरी गाइस ये स्टील की पिन है, आयरन की पिन है, और ये मैग्नेट के साथ चिपकती है, इसमें मैग्नेट नहीं होता। ये पहले मैं ऐसे करता था और फिर उधर से साफ 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 बुलेट्स की तरह वो निकलते थे पिंस, लेकिन ये स्टेपलर अब थोड़ा ख़राब हो गया है तो वो निकल नहीं रहा है। बट आई होप कि बाकी सारे स्टेपलर से निकलेगा। ये पिन देखिए गाइस कितनी मस्त दिख रही है। मेरे को लगता था पहले कि ये एक बेंच की तरह है, मतलब पर्सपेक्टिव एक है वैसा कि मतलब एक बेंच है जहाँ पे कोई बैठा नहीं है, हम जाके बैठ सकते हैं।